श्री माता भद्रकाली की कथा। भारत की राजधानी दिल्ली से अम्बाला जाते हुए मार्ग में कुरुक्षेत्र स्टेशन है। यह मंदिर कुरुक्षेत्र में झांसा रोड पर स्थाणु शिव मंदिर के पास स्थित है। कुरुक्षेत्र में सती का वाया टिड़ा टखना गिरा था। मंदिर में श्री भद्रकाली की मूर्ति के दर्शन होते हैं। इस देवी मंदिर की देश के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में गणना है। चैत्र व असौज में माता के मेले भरते हैं। यहाँ पर देवी कूप और देवी माता का तालाब है। कहते हैं महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस देवी कूप पर सोने का घोड़ा चढ़ाने की मन्नत मानी थी। इसी कथा के अनुसार आज तक देवी कूप पर लोग मन्नत मानते हैं तथा पूरी होने पर प्रतीक रूप में लकड़ी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। जिला अधिकारियों ने व्यक्तिगत रुचि लेकर इस धर्म स्थान को बहुत सुंदर बना दिया है। ठहरने के लिए दुर्गा भवन तथा धर्मशाला भी हैं। नवरात्रों के अतिरिक्त शिवरात्रि के अवसर पर भी मेला लगता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों की संख्या में यात्री एकत्रित होते हैं। देवी मंदिर के समीप पुजारियों और पंडों के पास आने वाले यात्रियों का सैकड़ों वर्षों का रिकॉर्ड होता है। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथन अनुसार बालक श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में हुआ था। मुंडन संस्कार नवरात्रों में नंद बाबा और माता यशोदा ने अपने रिश्तेदारों के साथ कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में किया। भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र से सदा प्रेम रहा है। बचपन में वह अपने माता पिता के साथ कुरुक्षेत्र में आते। सूर्य ग्रहण के अवसर पर वह अपने संबंधियों के साथ पर्व स्नान करने के लिए आए और फिर महाभारत के युद्ध के साथ मानवता की रक्षा के लिए गीताकार के रूप में आए। कुरुक्षेत्र में आने वाले यात्री गीता की जन्मभूमि श्री ज्योतिसर नरकातारी कुंड हनुमान जी सर्वेश्वर महादेव जी ब्रह्म सरोवर दुख भंजनेश्वर सूर्य कुंड बिरला मंदिर कौरव पांडव मंदिर गीता भवन ध्यानेश्वर महादेव आदि धर्म स्थानों के दर्शन करते हैं। देवी के अन्य मंदिर। इन 9 महामंदिरों के अतिरिक्त सर्वत्र भारत में देवी के कई अन्य मंदिर पाए जाते हैं। इनकी महानता भी भक्तों के हृदय में कम नहीं है। यूं तो कण कण में शक्ति का वास है। घर घर में देवी के असंख्य मंदिर हैं, परंतु उसमें भी जो मुख्य माने गए हैं वे इस प्रकार हैं। बगुलामुखी देवी का मंदिर। यह 2 दर्शनीय मंदिर पंजाब राज्य में है। एक तहसील नूरपुर के कोटला नामक स्थान में है और दूसरा तहसील गोपीपुरा डेरा के बनखंडी नामक स्थान में है। ज्वाला देवी। कहा जाता है कि यहाँ पर सती के हाथ गिरे थे। यहाँ पर ज्वाला देवी का प्रकाश सदा विद्यमान रहता है। इसे भगवती हिंगलाज का सिद्ध स्थान कहते हैं। यह कराची की मकरान पहाड़ियों में है। कामाख्या देवी। यह मंदिर आसाम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ भगवती की कोख गिरी थी। नीलांचल पर्वत पर स्थित यह मंदिर भगवती कामाख्या देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तांत्रिक लोग अपनी साधना सफल बनाते हैं। शाकुंभरी देवी। भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में सहारनपुर नगर से लगभग 40 किलोमीटर दूर शिवालिक की पर्वतमालाओं में यह प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की प्रतिमा के दाईं ओर भीमा तथा ब्राह्मरी तथा बाई और शताक्षी देवी को शीतला देवी के नाम से संबोधित किया जाता है। योग माया क्षीर भवानी। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से उत्तर की ओर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर गादर नामक स्थान है। यहाँ सिंधु नदी के तट पर क्षीर भगवती अर्थात योग माया का विशाल मंदिर है। नार सिंघी का मंदिर चंबा राज्य के कश्मीर नामक स्थान जो ब्रह्मपुर का अपभ्रंश है भगवती नार सिंघी का विशाल मंदिर है। भगवती पार्वती जी का मंदिर दक्षिण में कन्याकुमारी के तट पर भगवती पार्वती का विशाल मंदिर है। सिद्धेश्वरी संकटा राजेश्वरी अन्नपूर्णा देवी के मंदिर। यह 4 मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक शहर में हैं।
विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्यांचल पर्वत पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से लगभग 10 किलोमीटर दूर विंध्यवासिनी देवी का विशाल मंदिर है। हर साल यहाँ पर एक विशाल मेला भरता है जिसका पुण्य लाभ उठाने लाखों लोग आते जाते हैं। भुवनेश्वरी देवी सौराष्ट्र में गोंडल नामक स्थान पर देवी का विशाल मंदिर स्थित है। ददमथी देवी इस नाम का विशाल मंदिर राजस्थान के नागौर नामक स्थान में है। उकनी देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले के काशीपुर नामक नगर में स्थित है। नंदा देवी उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर कौशिकी देवी का मंदिर स्थित है। अरमुदा देवी यह मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध आबू पर्वत पर स्थित है। हर सिद्धि देवी मध्य प्रदेश के सिद्ध हिंदू तीर्थ उज्जैन शहर में जहाँ कुंभ का मेला भरता है हर सिद्धि देवी के नाम से विशाल मंदिर बना हुआ है। सिंहवाहिनी देवी मंदिर यह मंदिर इंदौर हरदा मार्ग पर मध्य प्रदेश में कन्नौज नामक स्थान पर स्थित है। नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर इस स्थान पर 7 देवियों के प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी मान्यता दूर दूर तक है। यह नाम है माहेश्वरी कौमारी ब्राह्मी वैष्णवी बराही इंद्राणी चामुंडा देश के कोने कोने से लोग इनके दर्शनों को आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर यह मंदिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर नामक स्थान में है। काली देवी कलकत्ता में काली देवी का विशाल मंदिर है। कहा जाता है कि वहाँ पर सती के केस गिरे थे। यहाँ पर रक्तांबर मुंड मालिनी तथा मुक्त केसी देवियाँ प्रतिष्ठित हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में देवी के 3 मंदिर हैं जिनकी बहुत मान्यता है। भक्तजन यहाँ पर देवी की आराधना कर मनोवांछित फल पाते हैं। यह मंदिर है महाविद्या का मंदिर महामेधा का मंदिर महामाया का मंदिर। 9 ज्योतियों के दर्शन महात्मा तेरी 9 ज्योता जागे आजा ऊंचे पर्वत वाली तेरे भक्त आहुति पामे आजा मेरी शेरों वाली। पहली ज्योति माता तेरी महाकाली कहलावे मुनि भुक्ति को देने वाली ज्वालामुखी सुहावे। दूजी ज्योति माता तेरी अन्नपूर्णा कहाई अपने भक्तों के तू जननी अन्न भंडार भराई वह तो सटरस भोजन पावे। तीजी ज्योति महारानी की चंडी जी कहलावे अपने भक्तों के तू माता शत्रु नाश करावे उनका बलवान बालना बांका होए। चौथी ज्योति महारानी जी हिंगलाज कहलाती जो श्रद्धा से भक्ति करता सगरे दुख मिटाती। विंध्यावासिनी पंचम ज्योति कहकर जग सारा अपने भक्तों का करती हैं शोकों से छुटकारा। कुंड के माही ज्योत छठवीं महालक्ष्मी माई इसके पूजन करने से स्वर्णाधिक घर भर आई। सप्तम ज्योति सरस्वती माँ सारा जगत पुकारे जो कोई भी ध्यान लगाए विद्या आए द्वारे। ज्योति आठवीं को जग सारा कहे अम्बिका लाली है जग में विख्यात मात संतान की देने वाली। बसे कुंड में नौमी ज्योति नाम अंजनी माता इसका पूजन आयु और सुख सिद्धि की दाता। भारत में देवी के 12 मुख्य विग्रह त्रिपुरा रहस्य में भगवती विग्रह के निम्नलिखित 12 मुख्य स्थान बताए गए हैं। कांचीपुर आसाम में कामाक्षी मलयागिरी में भ्रामरी भ्रामरांबा केरल मालाबार में कुमारी कन्याकुमारी आनर्त गुजरात में अम्बा करवीर कोल्हापुर में महालक्ष्मी मालवा उज्जैन में कालिका प्रयाग इलाहाबाद में ललिता अलोपी विंध्यांचल में विंध्यवासिनी और वाराणसी में विशालाक्षी गया में मंगलावती बंगाल में सुंदरी काली नेपाल में गुह्य केसरी भगवती के 108 नाम दुर्गा आदि शक्ति भवानी जगदम्बा वैष्णवी लक्ष्मी गौरी सावित्री विषया ब्रह्मचारिणी सिद्धिदात्री वराही अम्बिका प्रचंडिका जगत जननी चामुंडा त्रिनेत्रा मातंगी माहेश्वरी ब्राह्मी अग्निशक्ति खड़गधारिणी मृगवाही वारुणी शूलधारिणी विजया अजिता अपराजिता मालाधारी यशस्विनी सदा स्वाहा नारायणी शैलपुत्री कूषमांडा स्कंद माता कालरात्रि महागौरी कात्यायनी पद्मा सची मेधा जया देवसेना खरवरी ऐन्द्री कौमारी ईश्वरी द्वारवासिनी शंकरी संखिनी अमृतकला सरस्वती चित्रघंटा चंडिका महामाया कामाक्षी सर्वमंगला भद्रकाली धनुधरी नीलग्रीवा नलकुवरी वज्रधारिणी दंडनी शूलेश्वरी कूलेश्वरी अम्बिका महादेवी
ललिता सूलधारिणी कामिनी गुह्य केसरी पूतना कालिका भगवती महिषवाहिनी विंध्यावासिनी महाबला तलवासिनी सौजसी श्रीदेवी दंष्टाकाली ऊर्धकेशनी कौबेरी बागेश्वरी पार्वती मुकुटेश्वरी चूड़ामणि ज्वालामुखी अवेद्या छतेश्वरी वज्रस्ता कल्याण शोभना योगिनी भैरवी चक्रिणी सुकथा क्षेम करी भद्रकाली कपालिनी क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा जयंती मंगला चंद्र घंटा नारसिंगी। देवी जी की आरती। ओम जय जय जगदम्बे मैया जय जय जगदम्बे करुणा दृष्टि निहारो कृपा करो अम्बे जयत दीन दुख हरनी जय मंगल करनी हरनी कलश कलेशन भव सागर तरनी। महाशक्ति के संबंध में कण कण में व्याप्त महामाया की शक्ति के बारे में सारे विश्व को चलाने वाली संपूर्ण चराचर की स्वामिनी अनाद और अनंत हैं। महामाया के किसी भी अवतार की अथवा किसी भी रूप की आराधना दुष्टों को दंड देने वाली और तेज को बढ़ाने वाली है। नव दुर्गाओं या नवरात्रियों भगवती की उपासना अधिक फलदायक होती है। हठयोग की भाषा में महामाया की नौ शक्तियाँ मनुष्य के नौ छिद्र कहे जाते हैं। पंचभूत और तीन गुण माया की आठ भुजाएं हैं। महाशक्ति की एक अद्भुत महिमा है। उसका प्रत्येक अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी के 10 अवतारों में उनके प्रत्येक अवतार के समय महाशक्ति भी उनके साथ जन के नाम है। महाकाल में महाकाली, तारकेश्वर में तारा, भुवनेश्वर में भुवनेश्वरी, षोड़श में षोड़शी, भैरव भैरवी, छिन्नमस्तक छिन्नमस्ता, धूम्रवान धूमावती, बगला मुख अवतार में बगला मुखी, मातंक में मातंकी, कमल में कमल अथवा कमलात्मका, महामाया के 10 रूप 10 महाविद्या के नाम से तांत्रिकों की उपासना का प्रमुख अंग है। 10 महाविद्या का प्रत्येक स्वरूप विभिन्न सिद्धियों अविष्ट फल को देने वाला है, प्रदान करने वाला है। नव दुर्गा स्तुति। जगत पूज्य जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वात्मिकेशी कौमारी जगन मातर नमोस्तुते त्रिपुरां त्रिगुणाधारां मार्ग ज्ञानम स्वरूपिणी त्रैलोक की वंदिता देवी त्रैमूर्ति प्रणाम्य हम अणिमादि गुणोदारां मकराकार चक्षुषम अनंत शक्तिं भेदामतां कामाक्षी प्रणयाम्य हम चंडवीरां चंडमायां चंडमुंड प्रभंजनीं तां नमामि च देवीसीं चंडकां चंडविक्रमां सुखानंद करीं शांता सर्वदेवैर्न वस्त्रताम सर्वभूतात्मिका देवीं सांभवी प्रणयाम्य हम चंडवीराम चंडमायाम रक्तबीजाम प्रभंजनीम ताम नमामिं च देवीसीम गायत्रीम गुणशालिनीम सुंदरीम स्वर्ण सर्वांगी सुख सौभाग्यदायिनीम संतोषम जननीम देवीं सुभद्रा प्रणयाम्य हम दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भय दुर्ग विनाशिनीम प्रणमामिं सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम। माता का विराट रूप। आंखें मूंद कर मनन कीजिए कि हजारों कमल पुष्प एकदम खिल उठे। सोचिए 1000 सूर्य एक ही आकाश मंडल में एक साथ उदय हो गए। ऐसा है उसका रूप, ऐसा है उसका तेज। सूर्य और चंद्र उसके दोनों नेत्र हैं, नक्षत्र आभूषण हैं, हरी भरी धारा सिंहासन और नीला आकाश छत्र पर छाया है। सिंदूरी लाल सुए रंग फूलों में उसका रूप झलकता है। अस्ताचल को जाते हुए रक्तावर्ण सूर्य में भी वह दीप्तिमान है। हिमपात के कारण सफेद चादर से ढके हुए पर्वतों विराजमान है। श्वेत हंस वाहन पर श्वेत वस्त्र धारण किए सरस्वती के रूप में शोभायमान है। स्त्रियों की लज्जा में, योद्धाओं के आक्रोश में और विकराल काला ज्वाला की लपटों में रूपी जिहुआ में दमक रही है। अम्बा के रूप में माँ का स्नेह उड़ेल देती है, जैसे किसी शिशु को स्तनपान करते हुए अपनी ममता में माँ स्नेह मिल रहा हो। त्रिपुर सुंदरी के रूप में अद्वितीय सम्मोहन है। महाकाली के रूप में नरमुंडों की माला पहने भयानक नृत्य करती है, यद्यपि वह निर्गुण है तथा वे समय समय पर दुष्टों के नाश के लिए अवतार धारण करती है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।